मैं ये चाहूंगा कि आप हमें ये डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएं कि ये ऐप ऑपरेट कैसी होती है और इसके फीचर क्या है। ये मैंने रोमन के अंदर टाइप कर दिया है झूठ, ये देखिए लिखा हुआ झूठ। ये मैंने सर्च का बटन दबाया तो झूठ के मुताबिक 43 आया थे पुराने मजीद में, ये सब के सब इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एक लफ्ज का ट्रांसलेशन करते हुए 6 मुख्तलिफ लोग 6 मुख्तलिफ तर्जमे देते हैं, बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग होगा आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली ट्रांसलेशन है जो कि रोमनाइज उर्दू के अंदर हमने इस्तेमाल किया। क्या हमारी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है उनके लिए ये बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट होगा आने वाले टाइम में? जी इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी और इंशाल्लाह हमारा जो विजन है वो ये है कि अगले 5 सालों में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह गूगल को रिप्लेस कर देंगे। 177 कंट्रीज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम 360 रन होती है। क्या कभी हमने अपने मोबाइल फोन का कैलकुलेटर खोल कर आयतों को चेक किया, कैलकुलेट किया? वाकई इतनी है? मजे की बात बताऊं, नहीं है। जो मुझसे को पूछे ना वन वर्ड के अंदर कि क्यों बनाया, मैं कहता था लोगों के जहनों में सवाल पैदा करना, सवाल पैदा करने के लिए। सवाल पैदा होगा तो उसके जवाब के लिए वो जस्तजू करेगा। हम मुसलमानों पे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान कुरान पाक है। कुरान पाक इज अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ और हमें हर मौके पे गाइडेंस के लिए कुरान पाक से रजू करने की जरूरत है। कुरान हमें बताता है हाउ टू लिव अ लाइफ एंड हाउ टू लिव अ हैप्पी कंफर्टेबल लाइफ, जहां पे हमने तमाम लोगों को, वो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, उनके साथ किस तरीके से रहना है, हमारा असलूब क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक डायलेमा ये है कि कुरान पाक हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद पढ़ते हैं, तलावत करते हैं, लेकिन ये सब कुछ अरबिक में है। बहुत से मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें कुरान पाक से गाइडेंस सीख करना होती है और उसके लिए हम करते क्या हैं, हम उलमा के पास जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनको जिनको अरबिक की समझ है हम उनसे गाइडेंस लेते हैं, लेकिन एट टाइम उनके पास उतना वक्त नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट की इतनी समझ नहीं होती। जिस तरीके से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं शायद वो हमें समझा नहीं पाते। टेक्नोलॉजी ने ये मुश्किल हमारी हल कर दी कि आज के दौर में जहाँ पे टेक्नोलॉजी आपको बहुत सारे मामलात में हेल्प करती है, विद द क्लिक ऑफ अ बटन यू आर एबल टू सीक दैट गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन फिर भी अवेलेबल नहीं थी। कुरान पाक के हवाले से काम करने वाले लोग पूरी दुनिया में मौजूद थे, लेकिन इतना ज़बरदस्त काम एक शख्स ने किया, आज वो मेरे मेहमान हैं। और क्या ज़बरदस्त एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम इस्लाम 360 है। जाहिद हुसैन छिपा इज माई गेस्ट टूडे। जाहिद थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक एहसान है तमाम मुसलमानों पे। और जब आपने मुझे बताया कि अब तक तकरीबन कुछ 7 मिलियन के करीब लोग जो हैं इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और रोजाना 4 लाख के करीब लोग इससे मुस्तफीद होते हैं, व्हाट एन अमेजिंग इनिशिएटिव। टेल मी कि आपको इसका आइडिया आया कैसे? बेसिकली जोविंदर साहब, एक बहुत कुरान की एक आयत मैंने मुद्दत पहले सुनी थी, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह। कुछ दिनों बाद मैं इसका रेफरेंस भूल गया था कि किस जगह पर मौजूद है, तो उस वक्त मैंने कोशिश की कि इस तरह की कोई एक एप्लीकेशन पर काम किया जाना चाहिए कि मैं पर्टिकुलर टॉपिक उर्दू में लिखूँ, इंग्लिश में लिखूँ या जो भी लैंग्वेज में मैं चाहूँ और फिर मुझे उसका जवाब मिल जाए। ये काम मैंने शुरू किया 2007 नवंबर 2007 में, आज से 13 साल पहले। 13 साल नहीं, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका बैकग्राउंड कुछ बहुत मसबी था या कोई आईटी से रिलेटेड था? मैं आइडिया ये जानना चाह रहा हूँ कि विच प्रॉम्प्टेड यू टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव। आपने जब ये बात छेड़ दी तो मैं आपको बता दूं कि जाहिद हुसैन छिपा जो कराची में अपनी कंपनी रन करता है और 177 कंट्रीज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम 360 रन होती है। जी जी, जाहिद हुसैन छिपा ठेले पर केले बेचा करता था। और अच्छा जी, केले बेचते बेचते मैं आज इस जगह पर हूँ। एक नॉर्मल सी फैमिली थी जो कि जिस तरह हमारे यहाँ नॉर्मली बस नमाज रोजे की पाबंदी होती है उस तरह ही पाबंदी होती थी, बस इसके अलावा कोई मजहबी रुझान नहीं था। लेकिन मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ किया करता था कि अल्लाह ताला मुझसे कोई दीन का काम ले ले। मैं 1998 से प्योरली प्रोग्रामर हूँ, यानी जब मैं 18 साल का था उस वक्त से मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। आज मुझे 21 साल हो गए प्रोग्रामिंग करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करता था कि अल्लाह ताला मुझसे कोई दीन का काम ले ले। अल्लाह ने सबसे बड़ा एहसान मुझ पर यह किया कि मेरी ही फील्ड के अंदर अल्लाह ताला ने मुझसे दीन का काम ले लिया। जाहिद दिस इज जस्ट अमेजिंग। मैं भी ये मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और केले बेचने से आज दुनिया के लाइक 7 मिलियन लोग हैं जो आपकी इस इनिशिएटिव से मुस्तफीद हो रहे हैं। इससे बड़ा अल्लाह ताला का करम और कोई नहीं हो सकता। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बड़ा मुश्किल सा काम है कुरान पाक की ट्रांसलेशन करना, तफसीर में जाना, अहदीस को इस तरीके से डॉक्यूमेंट करना,
हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ मकातबे फिकर हैं जो एग्री नहीं होते, एक ही कुरान पाक है जब हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, चूँकि अरबिक बहुत वास्ट किस्म की लैंग्वेज है, एक लफ्ज़ का ट्रांसलेशन करते हुए छः मुख्तलिफ लोग छः मुख्तलिफ तर्जमे देते हैं, बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग होगा आपके लिए ये। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं एक ख़ास बात बता दूँ अपने नाज़रीन को कि इस्लाम 360 में हमने उन्हीं ट्रांसलेशंस को इस्तेमाल किया है जो कि उलमा ने पहले से ट्रांसलेट किया है। मैंने जो रोमनाइज उर्दू में कुरान मजीद को ट्रांसलेट किया है वो रोमनाइज उर्दू को ट्रांसलेट जो कि उर्दू में लिखा हुआ है मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का या हज़रत तकी उस्मानी साहब का, उसी तर्जुमे के साथ मैंने सिर्फ रोमनाइज को ऐड किया। मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम दुनिया में ये काम हुआ होगा, बिकॉज रोमन उर्दू में इससे पहले शायद कुरान पाक पे काम नहीं हुआ। रोमन उर्दू में आज तक दुनिया में कोई कुरान मजीद की ट्रांसलेशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली ट्रांसलेशन है जो कि रोमनाइज उर्दू के अंदर हमने इस्तेमाल किया। एंड दैट्स जस्ट अमेजिंग, बिकॉज हमारी यंगर जनरेशन जो है उनको एट टाइम उर्दू लिखना नहीं आता, तो वो सब रोमन उर्दू की तरफ जो है वो रेफर करते हैं। जबरदस्त इनिशिएटिव है ये। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारी वो जनरेशन जो कि मुल्क से बाहर रहती है वो उर्दू समझ लेती है, बोल लेती है, लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता। ठीक है, इवन आप अगर इंडिया में चले जाएं तो इतने सारे लोग जो मौजूद हैं वो हमारी तरह ही बोलते हैं, हमारी तरह ही सुनते हैं, लेकिन लिखता वो उनका रस्मुल खत हिंदी है, ठीक है, हमारा रस्मुल खत उर्दू है, तो दोनों में फर्क है। लेकिन रोमन एहसान पैदा कर। 25 करोड़ के करीब मुसलमान इंडिया के अंदर मौजूद है, 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान यहाँ मौजूद है, फिर आपके पास बांग्लादेश में मौजूद, सिर्फ इन्हीं को काउंट कर लीजिए तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अल्हम्दुलिल्लाह ये रोमनाइज उर्दू सर्व कर। माशाल्लाह, मुझे जाहिर ये बताएं कि ऑथेंटिसिटी, फिर मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, बिकॉज जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो ऑथेंटिसिटी है। आपकी इस ऐप पे इतने बेशुमार लोग कुरान पाक की तलावत सुनते हैं, तर्जमा से मुस्तफीद होते हैं, तफसीर से मुस्तफीद होते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से कुछ बताएं ताकि लोगों को ये फर्दर पता चले कि दिस ऐप इज़ वेरी क्रेडिबल, और जो जो आपने ट्रांसलेशन और तफसीर बताई है उस पर उलमा जो है वो मुकम्मल उस पर एग्रीड हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, इसके जो मैंने जो जो सर्टिफिकेट्स लिए हुए मुख्तलिफ मकातिब फिक्र थे वो इस्लाम 360 की एप्लीकेशन में मौजूद है। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इमाम काबा से मैं 3 दफ़ा 1-on-1 मेरी मुलाकात हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा पाकिस्तान में जो मकातिब बड़े बड़े जो नाम ले लीजिए, आप तकी उस्मानी साहब का नाम ले लीजिए, आप इब्तिसाम अली ज़हीर साहब का नाम ले लीजिए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, तमाम लोगों से भी मिल चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सताइश की अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम के तमाम। इख्तलाफ भी किया किसी ने कोई? अदी इख्तलाफ वो यकीनन, ये तो अब हमारे यहाँ क्योंकि ये तो जबान ज़दे आम है तो वो इख्तलाफ तो करना जरूरी हो। ठीक ठीक है, एक बात पे सब मुत्तफिक है कि किसी बात पे मुत्तफिक नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जाहिद, मुझे ये बताएं कुरान पाक का एक तो ये है कि हमारे मुसलमान जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, हमारी यंगर जनरेशन बुढ़े जिनको समाउदादर अब शायद वो पढ़ नहीं सकते, सुन सकते हैं विद दिस ऐप एक्चुअली, और ज़बरदस्त इसके डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं। एक वो लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं, जिनको एतराज़ बेशुमार हवालों से इस्लाम और कुरान पाक पे आते हैं, उनके लिए भी ये ऐप बड़ा ज़बरदस्त एक ज़खीरा है। लेकिन मैं ये जानना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपने मुझे ये बताया और अभी आप डेमोंस्ट्रेट करके भी ये बताएंगे कि अगर मैं परेशान हूँ तो मैं परेशानी के हवाले से कोई कोई वर्स कोई आयत ढूंढना चाहता हूँ तो जितनी कुरान पाक में आयात हैं वो मेरे सामने आ जाएंगी। जी बिल्कुल, जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो सबसे पहले ये ढूंढेंगे, जो पूरी दुनिया में एक बड़ा सेंसिटिव इशू है कि वो नॉन मुस्लिम्स हैं, लाइक क्रिश्चियन जो है वो ढूंढेंगे, क्रिश्चियन जो ज्यूश हैं वो ढूंढेंगे। जब तक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन ना किया जाए, आप तो सिंपल ट्रांसलेशन दे देंगे ना, जहाद है तो जहाद का ट्रांसलेशन दे देंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर आयत का जब तक कॉन्टेक्स्ट मौजूद नहीं वो उसको गलत समझेंगे। इस पर कुछ काम किया आप? इसके लिए हमारे पास जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सर्चिंग इसके अंदर मौजूद है। दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीन काम यह है कि अगर वो आया तो उसको एक्सप्लेन वो नहीं कर पा रहा है या वो समझ रहा है कि मुझे ये ज़्यादा क्लेरिफाई नहीं कर पा रही किसी चीज़ को, तो तफासीर इसके अंदर 8 से ज़्यादा तफासीर मौजूद है उर्दू और इंग्लिश के अंदर, तो लोग उसको पढ़ सकते हैं और उसमें सारी एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि जो यहाँ पे जहाद का माने लिया गया वो कोशिश लिया गया है, यहाँ पे जो किताल का माने लिया गया वो कुछ और नहीं, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के अंदर मौजूद है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर 5वें सूरा की आयात 51 पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पर क्रिश्चियन और ज्यूश के बारे में ये कहा गया कि ये कभी आपके अलाइज नहीं हो सकते, और अगर आप इनके अलाइज हो तो आप इनके हो, ये मुसलमानों के नहीं हो सकते, लेकिन उसका एक कॉन्टेक्स्ट मौजूद था। जो क्रिश्चियन या ज्यूश उसको सर्च करेगा वो ये कहेगा कि देखो कुरान पाक में ये लिखा हुआ है कि ये तुम्हारे दुश्मन है, ऐसा नहीं है, उसका एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट था, उसकी बैकग्राउंड थी, उस बैकग्राउंड को ऐसी सेंसिटिव आयात के साथ एक्सप्लेन करना या बताना कि इस आयत के साथ ये आयात भी पढ़ो,
ये बड़ा जरूरी ये मौजूद है इसके अंदर। अच्छा ये मौजूद है, ये मौजूद है क्योंकि जब आपके पास वो आया तब देखते हैं तो उसके नीचे ही हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करके ये कॉन्टेक्स्ट उसके साथ जोड़ दिया है कि उस पर क्लिक करके उसकी पर्टिकुलर जो और दूसरी आयात भी मौजूद है वो सारी रेलेवेंट आयात एक ही जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाए। अच्छा, हम मुसलमानों का एक और बड़ा मसला ये है कि हम चाहते हैं, पूरी दुनिया में ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो कुरान पाक को पढ़ना सीखें, उसमें अरेबिक में उनको पता हो कि किस तरीके से कुरान पाक पढ़ा जाता है। पाकिस्तान में जो इस्लामिक ममालिक है वहाँ पर यह फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है उसकी तरफ आना शुरू हो गए, डस दिस ऐप हेल्प देम आल्सो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत कमाल की चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि अगर हम अपनी रजिस्ट्रेशन बाहर के लोग ही नहीं, मैं और आप भी अगर अपनी तिलावत को बेहतर करना चाहते हैं तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको आपकी तजवीद को बेहतर करेगा किस तरीके से। एक छोटी सी चीज़ है, ये मैंने इस पर काम किया और ये ज़रा देखिएगा, ये मैंने क्लिक करता हूँ और सूरह इखलास पर आ जाता हूँ। ये मेरी स्क्रीन अगर मुझे दिखा सके आपके, ये अल्लाह उस्समद इस वक्त यहाँ पर आ रहा है, राइट। मैंने कहा कि ज़रा मुझे इसको पहले पढ़कर सुनाओ कि कैसे पढ़ते हैं। ये मैंने क्लिक किया, ये आवाज़ आ गई, ठीक है। मैं इसको गलत पढ़ूंगा तो ये इसको रेड कर देगा, ज़रा देखिएगा। लम यलिद वलम यूलद, ये स्क्रीन दिखा सकती है कि इस वक्त देखें ये इसको रेड कर दिया और आप देख रहे हैं इसको करीब, राइट राइट राइट। अब आप जरा सा तेज आवाज में अल्लाह उस्समद आप कहिएगा, जब मैं आपको इशारा करूं तो ये बिल्कुल देखे इसको कहेगा कि सही पढ़ा है। अल्लाह उस्समद, जो इधर साहब ये देखे ग्रीन हो गया, कह रहा है बिल्कुल ठीक पढ़ा, जबरदस्त। लाइक मैं अपना प्रोनंसिएशन जो है उसको भी ठीक कर सकता हूं, जबरदस्त। अच्छा, मेरे पास ये भी चॉइस है कि मैं अपनी मर्जी का जो बेशुमार कारी पूरी दुनिया में है वो भी चूज कर लूं इसमें। 12 से ज्यादा कुरा हजरात है जिनकी आवाज में आप सुनना चाहते हैं आप सुन सकते हैं। आपने अहादीस को भी डॉक्यूमेंट किए? 78,000 अहादीस है जो कि इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 400 ग्राम की डिवाइस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अगर इसको सिर्फ आप जाके नुस्खा खरीदना चाहें, 65 जिल्दे हैं ये, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 400 ग्राम की डिवाइस के अंदर ये 78,000 अहादीस पूरी मौजूद है। अच्छा जाहिद, एक चीज जो है वो ये है कि हमारा जब भी हम आईटी की बात करते हैं तो ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जो टेक सेवी हैं वो इसको हैंडल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन जब आना शुरू हुआ और पाकिस्तान में पता लगा कि करोड़ों लोग जो है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो उसकी वजह यह थी कि मोबाइल फ़ोन का यूसेज बहुत आसान कर दिया गया। ये ऐप कोई मुश्किल है इसको हैंडल करना? अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो विल आई स्टिल बी एबल टू अवेल दिस फैसिलिटी एंड यूटिलाइज इट? जी, आप इसके अंदर तमाम के तमाम टेक्स विदाउट इंटरनेट के, कोई चीज सर्च करना चाहते हैं विदाउट इंटरनेट, अगर आप डाउनलोड कर लें एक बार, जी एक दफा जो प्ले स्टोर जैसे व्हाट्सएप हम डाउनलोड करते हैं, सेम इट इज, वहां से इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप इसके सिवाय ऑडियो के हर चीज बगैर नेट के चलती है। एक मैं कमाल दिखाता हूं आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि लोगों को इस्तेमाल करना मुश्किल या आसान। देखिए, लोगों को लिखना मुश्किल हो सकता है, समझ आता है, पढ़े लिखे अनपढ़ समझ आता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे और अनपढ़ का फर्क खत्म हो गया। क्या आप इससे बातें करें और बातें करने के बाद वो आपको जवाब देता है? ओके इस्लाम, दिल के सुकून के लिए सूरह फातिहा की तिलावत करें। तर्जुमे के साथ या तर्जुमे के बगैर? तर्जुमे के साथ। सूरह फातिहा। अच्छा यही नहीं, अब एक और कमाल देखेगा। अली भाई के साथ बहस हो रही है, हदीस में तलाश कर दोगे? आप कौन सी हदीस की किताब में तलाश करना चाहते हैं? तिर्मिज़ी। आप मिश्कात में क्या तलाश करना चाहते हैं? नमाज। अच्छा, क्योंकि सराउंडिंग के साउंड भी 765 रिवायतें आ गई, वो मिश्क मैंने तिर्मिज़ी कहा, उससे मिश्कात सिर्फ इसलिए कह लिया कि सराउंडिंग के जो साउंड होते हैं वो उसको भी गेट कर लेता है, और मेरा माइक यहाँ पर था। तो ये सारी चीजें आपके पास, यानी अगर सिर्फ और सिर्फ मैं एक काम और कर दूं आपके पास, अगली नमाज का वक्त क्या है? ये अगली नमाज का वक्त आ गया, बता दिया, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये तो मजहब को बहुत आसान करने वाली बात है। अच्छा जाहिद, एक मुझे बात बताएं कि मैं जब लेक्चर देने जाता हूँ लॉ कॉलेज में और जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाना बड़ा मुश्किल इसलिए हो गया है कि जो चीज़ हम कह रहे होते हैं एट टाइम स्टूडेंट देन एंड देयर उसको गूगल करता है और हमें चैलेंज करते हैं, सर जी ए तुम ठीक नहीं कह रहे, यू नो। अब जो हमारे उलमाए किराम हैं, आपने उनके लिए मुश्किल पैदा नहीं कर दी? जो बातें वो बाज़ का बड़े वसूख के साथ भरपूर तरीके से वहीं पे बैठे, आई कैन गूगल इट कि ये ठीक कह रहे हैं कि नहीं, ये हवाला जो ठीक है,
तो ये बड़ा चैलेंजिंग है आपके लिए, मुश्किल हो जाएगी। हाँ, मुझे अंदाज़ा है ये बात मुश्किल होगी, लेकिन देखिए इसमें जो वो टीचर्स जो कि अपने लेक्चर की शानदार किस्म की तैयारी करके जाते हैं, या जो वो टीचर्स जो कि बहुत मंझे हुए हैं, वो आखिर में आपको जुमला ये कहते हैं गूगल कर लो या जो भी कर लो, अपनी बात में अपनी दलील में बहुत मुस्तहकम होते हैं, तो वो उलमा जिनकी रिसर्च जिनकी तमाम चीज़ें बहुत शानदार है, वो इस बात पर नहीं। आपका कहने का मकसद ये है कि अच्छे बेहतर उलमा जो हैं, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, जिसका नॉलेज बहुत अच्छा है, वही सर्वाइव करे, आम आदमी के लिए मुश्किल है। ठीक है, अब आप इस तरीके से मजहब को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मैं एक चीज जो मजीद जानना चाहूंगा वो ये है कि ये इतनी ज़बरदस्त आसानी जो है, इस पर आप जब लोगों से मिलते हैं, लोग आपसे रबते में आते हैं, हाउ डू दे अप्रिशिएट ये जो ओवरवेलमिंग किस्म का मोहब्बत के मामले में हम क्रेजी हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ दैट लव फॉर यू मस्ट बी अमेजिंग जी। बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा कि 400,000 लोग हमें डेली हमारे पास हमारी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, तो जिस तरह का उनका रिस्पॉन्स होता है, मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि अब हमारी नई जनरेशन इस्लाम की तरफ बहुत अच्छे तरीके से रागिब हो रही है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अब वो दलील मांगती है। ठीक, हमारा बेटा भी कहता है बाबा गिव मी लॉजिकल आंसर, राइट, ये मत बताइएगा उड़ के चले गए थे यूं हो गया, नहीं, करामात अपनी जगह पर होती है, बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन बाबा लॉजिकल आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ों को रिलेट करता है, क्योंकि कुरान सूरह फुरकान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमारी आयतों पर ये लोग अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते, बल्कि इसमें गौर व फिक्र करते, गौर व फिक्र करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तो हमारा बच्चा गौर व फिक्र करता है, और गौर व फिक्र के बाद वो सवाल पूछता है। अच्छा, मैं वोखला के हवाले से ये एक बात करना चाहूँगा, और नॉट ओनली वोखला, जनरली हम हर वॉक ऑफ लाइफ के बारे में ये बात कर सकते हैं कि हमें किसी जगह पे, किसी कोर्ट पे, किसी मुबाइसे में, किसी बहस पे, वो टेलीविजन चैनल हो या वैसे हो, अगर हमें कोई पर्टिकुलर रेफरेंस कोट करना हो तो ये तो बड़ा आसान है कि वहीं पर आप अपना मोबाइल निकालें, वो एक पर्टिकुलर लफ्ज लिखें और एग्जैक्ट आयत आप कोट कर सकते हैं, तो ये तो बहुत कन्वीनियंस की बात है। जोविंदर साहब, मैं दो चीज़ों पे, हमें हमेशा से अपने लेक्चर में ये बात बयान करता हूँ कि दो चीज़ें हमारे यहाँ पर जिस पर हर शख्स अपने कमेंट ज़रूर देना चाहता है, एक मेडिकेशन, दूसरा मजहब। उसको मालूम हो या ना हो, वो अपनी राय जरूर देता है। ठीक है, तो जब वो अपनी राय देता है तो उस राय को आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया का दौर है, आप कोई सी भी बात लिख, आप अक्सर देखते होंगे एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाता है कि जनाब ये फलां हदीस, जैसे आजकल वो रजब का चांद दिखा है तो रजब के चांद की एक दुआ पेश कर दी जाती है, ज़ईफ रिवायत है। ठीक, तो अब ये इतना आसान हो गया। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, मैं और आप बचपन से एक चीज़ जानते हैं कि कुरान मजीद में 6666 आयात है। ठीक है, बचपन से हमने ये बात सुनी है। क्या कभी हमने अपने मोबाइल फ़ोन का कैलकुलेटर खोल कर आयतों को चेक किया, कैलकुलेट किया, वाकई इतनी है? मजे की बात बताऊं, नहीं है। अच्छा, नहीं है। कुरान मजीद में 6236 आयत है। अच्छा, ये आज तक ये क्लेरिफिकेशन कम से कम मुझे तो नहीं पता था। इट्स अमेजिंग। हमने बचपन से सुना कि इल्म हासिल करो खास छीनी क्यों ना जाना पड़े। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि चे का हर्फ अरबी में तो होता ही नहीं है, चीन कहां से आ गया? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये वो चीज है, ये हदीस में भी ये मौजूद है। जी बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से इस्लाम 360 का जो मुझसे को पूछे ना वन वर्ड के अंदर कि क्यों बनाया, मैं कहता था लोगों के जहनों में सवाल पैदा करना, सवाल पैदा करने के लिए, सवाल पैदा होगा तो उसके जवाब के लिए वो जस्तजू करेंगे। जाहिद, ये बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव जो है, आपके आगे प्लान्स क्या है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द नेक्स्ट, एक्चुअली मतलब इतना जबरदस्त करने के बाद क्या आप टारगेट क्या है कि साल डेढ़ दो में आप मजीद क्या करना चाहते हैं? हम काम ये कर रहे हैं कि सबसे पहला हमारा टारगेट ये है कि कुरान मजीद का 104 जबानों का सर्च इंजन बना रहे हैं। ओके, जिसपे 19 जबानों पर हम काम मुकम्मल कर चुके हैं, पहला काम। दूसरा हम काम ये कर रहे हैं कि इस्लाम 360 किट्स बना रहे हैं। बच्चों के लिए गेम्स, कुरान से रेलेवेंट गेम बना रहे हैं। इंशाल्लाह एक गेम इंशाल्लाह 10 मार्च से पहले आ जाएगा और बाकी दो गेम्स इंशाल्लाह अगले 8 महीनों के अंदर आ जाएंगे। तीसरा काम हम ये कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सामने रखते हुए हम ये कर रहे हैं कि जब सुबह जब हम उठते हैं ना तो जो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमाताना वइलैहिन नुशूर, दुआ बाद में पढ़ते हैं, पहले मोबाइल उठाते हैं। हाँ ठीक, हम जब आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाएंगे तो हम ये गेट कर लेंगे कि आज आप जो उठे हैं तो परेशान उठे, आपको कोई बेचैनी है या आप खुश उठे। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात। अगर आप परेशान उठे तो हम आपको आज सारे दिन में 3 आयतें भेजेंगे जो कि सबर से रेलेवेंट होगी। बिल्कुल ठीक है। जब आप सुबह उठे खुश उठे तो हम आपको शुक्र की 3 आयतें भेजेंगे। बशी, आपका मोबाइल आइडेंटिफाई कर लेगा कि आप परेशान उठे हैं कि खुश उठे हैं, रात रात ख्वाब में किसी ने आपको डांटा है या किसी ने। बिल्कुल ठीक ठीक। तो ये सारी चीजें हैं क्योंकि अब आपके मोबाइल फोन पे जो आपका मोबाइल अनलॉक होता है, अनलॉक जो होता है वो आपके फेस रीडिंग के साथ होता है। हम फेस रीडिंग में ये गेट कर लेंगे कि आप परेशान हैं, उदास हैं। ठीक है, उसके रेलेवेंट हम आपको आयत भेजेंगे। जाहिद, एक चीज़ में
मज़ाहिब हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं, क्या दूसरे मज़ाहिब में भी कुछ इस तरह के इनिशिएटिव हैं जिस तरह का हमारा इस्लाम 360 है, क्रिश्चियनिटी में? जी, क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल है और बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है, उन्होंने इस पर काम किया है नो डाउट, लेकिन हम तो असल में बहुत पीछे थे, बहुत पीछे थे। हमारे यहाँ पर सिर्फ काम हुए तो अरब वर्ल्ड के अंदर हुआ या ईरान में कुछ काम हुआ, उर्दू पे तो हमने कुछ भी काम नहीं किया। अच्छा, एक वन लास्ट फाइनल क्वेश्चन, जो हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटीज अनफॉर्चुनेटली हैं बहुत काम, बहुत थोड़ी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कायरो में है, अब जद्दा में कुछ शुरू काम हो गया, अबू धाबी में भी कुछ वो काम करना चाह रहे हैं, क्या हमारी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है उनके लिए ये बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट होगा आने वाले टाइम में? जी इंशाल्लाह, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी और इंशाल्लाह हमारा जो विजन है वो ये है कि अगले 5 सालों में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह गूगल को रिप्लेस कर देंगे इंशाल्लाह। जाहिद, मैं ये चाहूंगा कि आप हमें ये डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएं कि ये ऐप ऑपरेट कैसी होती है और इसके फीचर क्या है। इस्लाम 360 में बेसिकली अगर आप कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए आप क्या काम करेंगे, जहाँ पे आपके पास अल कुरान है, अल कुरान पर आपने क्लिक किया, ये सारी सूरतें आपके सामने डिस्प्ले हो जाती हैं, मैंने सूरह बकरा पे क्लिक कर दी, या आपके पास सारी आयतें आ गई, मैंने किसी भी आयत पे क्लिक किया और उसको मैं प्ले करता हूँ, तो वो आपसे पूछता है कि जी आप इसकी अरबिक चलाएंगे या इसको ट्रांसलेशन के साथ प्ले करेंगे, मैंने कह दिया अरबिक क्लिक की। जहाँ पे ये रिपीट की फैसिलिटी, अगर आप ये रिपीट कर देंगे तो ये इस आयत को 100,000 टाइम चलाएगा ताकि आपको जब तक याद ना हो जाए। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर आपके पास ये 12 से ज़्यादा कुरान हज़रात मौजूद हैं जिनकी आवाज़ में भी आप तिलावत सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। इसके अलावा मेन ऑब्जेक्टिव ये था इस्लाम 360 का कि अगर आप इस पर कोई कुरान मजीद की कोई आयात तलाश करना चाहें, पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढना चाहें, मैंने कहा जी सर्च, और मैं अपने बेटे से बोलता हूँ बेटा झूठ बोलना बुरी बात है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बच्चे हमारे थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, पूछते हैं बाबा जन कहाँ लिखा दिखाइए, तो आप इंग्लिश में लाए लिखें, उर्दू में झूठ लिखें, रोमन में झूठ लिखें, हिंदी में लिखें या अरबिक में कज़िब लिखें, जो आप करने का है। मैंने कहा जी ये मैंने रोमन के अंदर टाइप कर दिया है झूठ, ये देखिए लिखा हुआ झूठ, ये मैंने सर्च का बटन दबाया तो झूठ के मुताबिक 43 आयात है कुरान मजीद में, ये सब के सब इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये रोमनाइज उर्दू जो आपको नजर आ रही है, ये गूगल के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ जिसने कुरान मजीद को रोमनाइज उर्दू में ट्रांसलेट किया। आप इसकी उर्दू पढ़ना चाहते हैं, ये उर्दू पर क्लिक कीजिए तो आपसे पूछेगा उर्दू किसकी पढ़ेंगे, शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंद बरेलवी, तमाम मकातिब फिक्र की इसमें ट्रांसलेशन मौजूद है ताकि इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन हो सके और हम एटलीस्ट किसी को पढ़े बगैर काफर ना करें। ये मैंने क्लिक किया और उसके बाद आप उसको सुन सकते हैं। उनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया। आप इस आयत को किसी के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, ये मोर के बटन पर क्लिक कीजिए, ये शेयर का ऑप्शन मौजूद है, ये मैंने इस पर क्लिक किया तो वो आपसे पूछता है कि आप डिजाइन बनाएंगे या मैसेज करेंगे, मैंने कहा डिजाइन बना दी, कौन सा डिजाइन लगाना चाहते हैं, मैंने कहा ये वाला डिजाइन लगाइए, ये ट्रांसलेशन के साथ इसको थोड़ा सा मैंने फॉन्ट साइज बड़ा किया, कलर कर दिया, आप व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक मैसेंजर जहाँ भेजना हो आप उसको भेज सकते हैं। मैंने कहा नहीं जनाब, मैं इस आयत की तफसीर सुनना चाहता था, मोर के बटन पर क्लिक कीजिए, ये आपके पास तफसीर का ऑप्शन है, इसमें मौलाना मौदूदी की तफ़ीमुल कुरान है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तफसीर है, डॉक्टर सार साहब की, मुफ्ती सईद साहब की, फत मकबूल साहिबा की, फीस दिलाली कुरान, तफसीर इब्ने कसीर, तिबयानुल कुरान, ये सारी तफासीर इसके अंदर मौजूद है, आप इसको सुन भी सकते हैं। उनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया, बीमारी से मुराद? मैंने कहा नहीं जनाब, मैं इसमें एक और काम करना चाहता हूँ कि मैं कुरान मजीद के हर लफ्ज़ की अगर डिक्शनरी देखना चाहूँ तो ज़रा देखिए ये लफ्ज़ आपके पास ये आयत मौजूद है, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, मैं इस मोर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ये रूट पर क्लिक किया तो ये देखिए सारी आयात एक एक लफ्ज़ अलग अलग हो गया। मैंने कहा मरदुन के मानी बताइए, ये मरदुन की पूरी डिक्शनरी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मैंने कहा इसके सिनोनियम जिससे मिलते जुलते वर्ड्स कौन कौन से कुरान में, ऊपर लिखा हुआ है आयात, इस पर क्लिक कीजिए, मरदुन मरदन मरीजन ये सारे अल्फाज उससे मिलते जुलते उससे ये भी आपको बता दिए। इसके बाद आपके पास अगर आप कुछ बोल कर तलाश करना चाहते हैं, मैं झूठ ऐसे लिखना नहीं चाहता लेकिन बोल कर तलाश करना चाहता हूँ, जरा देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये देखिए आपके पास कुरान मजीद में जहां जहां भी ये वर्ड मौजूद थे ये सब के सब आपके सामने वो लेकर आ गए।
इस तरीके से आप तलाश कर सकते। मैंने कहा नहीं जना, मैं इसके अंदर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और फला ये सारी चीज़ें देखना चाहता था, वो भी इसमें मौजूद है। मैंने कहा नहीं, मैं अहदीस पे काम करना चाहता हूँ या अहदीस को ढूंढना चाहता हूँ, ये अहदीस का ऑप्शन मौजूद है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये सारी अहदीस मौजूद है। सही बुखारी पर मैंने क्लिक किया, मैं अहदीस दिखा देता हूँ। सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिर्मिज़ी, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई, सुनन इब्ने माजा, अस-सिस्सतु सहीहा, मुस्नद अहमद, मिश्कात शरीफ, सारी मौजूद है। 78,000 अहदीस है जिसमें आप कोई भी मौजू तलाश कर सकते हैं। मैंने कहा सही बुखारी, ये सही बुखारी आपके सामने आ गई, इधर देखिए, आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरीके से आप अगर कोई मौजू तलाश करना चाहते हैं, इधर देखिए, मैंने सर्च के ऑप्शन पर क्लिक किया। मैंने कहा सारी किताबों में सर्च करो, अब की बार उर्दू में सर्च करना। और क्या सर्च कर रहे हैं अब की बार हम? सर्च कर रहे हैं नमाज। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया नमाज, और नमाज के मुताबिक ये सर्च मैंने किया, तो ज़रा देखिए आपके पास ये सारी अहदीस 8,409 रिवायात है नमाज के ऊपर, ये सब के सरस्वत आपके सामने लेकर आए। इसी में आपके पास, इसमें आपके पास किबला, नमाज, प्रेयर टाइमिंग, किबला डायरेक्शन, कायदा, दुआएं, तस्बीह, सारी चीज़ें एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कितनी ज़बरदस्त ये बात और इतना अमेजिंग इनिशिएटिव कि ऑनेस्टली मैं ये अगर कहूँ कि मुझे इतनी ज़बरदस्त आज ये खुशी हो रही है कि मेरा मज़हब, मेरा कुरान, मेरा दीन जो है उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मुझे लोगों पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है, मुझे हर आयत का डिफरेंट तर्जमा बताने वालों से शायद निजात मिल गई है। आज मैं एक एक्यूरेट और करेक्शन के साथ अपना मज़हब जो है उसको समझ सकता हूँ, उसको बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर सकता हूँ, और वो लॉजिक जो मुझे चाहिए था, जो मुझे एक लंबे अरसे से नहीं मिल पा रहा था, आज उस लॉजिक को ढूंढने के लिए मैं सिर्फ एक बटन से दूरी के फासले पे हूँ। अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे और इस इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाए। बहुत शुक्रिया।